नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। चक्रव्यूह में आज बात हो गई उस महंत की जिसने सालों तपस्या की, जिसने शिक्षा दी, जिसने दीक्षा नहीं ली, सिर्फ यही चाहा कि जो समाज में हो रहा है उसमें बदलाव आए, सभी चीजें व्यवस्थित हों और सलीके से हों। लेकिन ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि एक साधु संत जो कि प्रेरणा देता है, वो इस तरह से एक कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिलेगा। बहुत सारी चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे एंगल हैं, क्योंकि जो पूरा मामला है वो जुड़ा हुआ है एक तो ब्लैकमेलिंग से और दूसरा संपत्ति के विवाद से। लेकिन कौन सा मामला सही है ये कहना मुश्किल हो रहा है। दरअसल अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। इस बीच उनके चेले यानी कि शिष्य आनंद गिरी को यूपी पुलिस हरिद्वार से प्रयागराज ले आई है। आनंद से पुलिस लाइन में लगातार पूछताछ की जा रही है। बता दें कि सोमवार को प्रयागराज के बागम्बरी मठ में नरेंद्र गिरी का शव संदिग्ध हालत में लटका मिला था। उनकी सुसाइड नोट में आनंद गिरी का जिक्र है, इसलिए उत्तराखंड पुलिस ने आनंद गिरी को हरिद्वार में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद यूपी पुलिस की टीम भी हरिद्वार पहुंच गई और अब प्रयागराज लाया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी को सीडी से ब्लैकमेल किया जा रहा था। खबरों की माने तो ये जानकारी मिल रही है कि उनके किसी वीडियो की सीडी तैयार कर ली गई थी। पुलिस ने ये सीडी भी बरामद कर ली है। मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाने वाले इंदु प्रकाश मिश्रा से भी लगातार पूछताछ की जा सकती है। तीन नाम हैं जो मुख्य हैं। उन्होंने नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच समझौता करवाया था। साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि राजनीतिक दलों से जुड़े कुछ लोगों के साथ साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मी से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। डिप्टी कमांडेंट ओपी पांडे से भी लगातार पूछताछ हो सकती है। नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में डिप्टी कमांडेंट ओपी पांडे से भी पूछताछ होगी। ओपी पांडे मुरादाबाद स्थित 23 बटालियन पीएसी में तैनात है, लेकिन इस दिनों लखनऊ मुख्यालय से अटैच है। दरअसल जब से ही ये खबर सबको मिली है, तब से ही जो साधु संत समाज है उनमें शोक की लहर लगातार देखी जा सकती है। योगी आदित्यनाथ उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। मायावती ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल दुख जताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दो दिन पहले ही उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और उनका कहना है कि ऐसा कोई तनाव उनके चेहरे पर नहीं देखा जा सकता था कि वो इस तरह से आत्महत्या कर ले। लेकिन सवाल एक और सामने आ रहा है कि जिस कमरे में उन्होंने आत्महत्या की है, जहां पर उनका शव मिला है फांसी के फंदे पर लटका हुआ, कुछ शिष्यों का कहना है कि वो उस कमरे में सोते तक नहीं थे, उस कमरे में वो जाते तक नहीं थे। आखिर वो उस कमरे में कैसे पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है, जो पूरे मठ में सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके आधार पर। इसके अलावा कुछ सल्फास की गोलियां भी उनके कमरे से बरामद हुई है और एक लाइलन की रस्सी भी बरामद हुई है। बताया ये भी जा रहा है, सूत्रों से ये भी जानकारी मिल रही है कि वो सल्फास की जो गोलियां हैं वो गुरुजी, जो उनके शिष्य वो बता रहे हैं कि गुरुजी गेहूं में रखने वाले थे ताकि गेहूं खराब ना हो। इसके अलावा जो लाइलन की रस्सी थी वो इसलिए मंगाई गई थी क्योंकि कपड़े टांगने में या कपड़े सुखाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि बरसात का मौसम है। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एंगल हैं। आखिर क्या ये आत्महत्या है वाकई, या फिर एक सोची समझी साजिश है? योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर लगातार बयान दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर क्या है कि अनावश्यक बयानबाजी ना करें, गंभीर मुद्दा है, लगातार इस पूरे मामले में जांच होती रहेगी। आइए आपको भी सुनवाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, ताईस प्रतिष्ठित बागम्बरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय क्षति है।
अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में, जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता के बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारे तो इससे काफी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम, जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। 5:17 पर हमको भी फोन आया, टीवी में भी चलने लग गया था, सुसाइड नोट निकला है, उसमें उनके शिष्य आनंद गिरी का पहला नाम है, अभी तीन नाम है, एक आनंद गिरी है, दो एक पुजारी है, पुजारी का लड़का है
जहाँ उनका लेटे हुए हनुमान के मुताबिक तो हमारे पास तो ये तीन ही आए हैं। हमने तो समाचार देखा अभी हमारे अखाड़े से हमारे रविंद्रपुर जी वगैरह गए हुए हैं। अब जाके पता लगा इनका आनंद जी का और महन जी का काफ़ी मनमुटाव चल रहा था, टेंशन दे रहा था और इसको उनके कहने पर हमने संस्था से बाहर भी कर दिया था। लेकिन उसने वहाँ पर बागमरी गद्दी में माफ़ी भी मांग ली थी उसने, लेकिन वो अंदर से जो एक बार मन जो मेला हो जाता है फिर नहीं हो जाता, काफ़ी उनके खिलाफ बोलता था और फिर उनके कहने पे 14 मई को हमने उसको अखाड़े से निकाल दिया था। और आज देखते हमारे रविंद्रपुर जी पहुँच गए होंगे तो वो रविंद्रपुर जी के अनुसार तो कल के लिए बोल रहे हैं, टीवी में लेके नहीं आ रहा आज के लिए। लेकिन अभी कुछ लोग हमारे भक्त लोग नहीं आए, राजस्थान से उनके गुरु जी नहीं आए अभी, तो हो सकता है कल ही होगी समाधि। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा, ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए, जिन लोगों ने सीधे तौर पर गुरु जी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सर? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है, मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जाँचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं वो कर सकते हैं, मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया वो करा सकते हैं, अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया वो कर सकते हैं, और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहाँ बिताया है, उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है, मैंने कभी 1 रुपये का लाभ वहाँ से नहीं लिया, मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहाँ से नहीं रखी, केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया वह प्रयास आज इस रूप में आ गया, इसका मुझे बहुत खेद है। लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जाँच हो, निष्पक्ष जाँच हो और दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। महाराज जी, आपका जो विवाद का समझौता हो गया था उसमें हमारा समझौता हो गया, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से सबके सामने बात कही थी, हमारे बीच के कोई मतभेद नहीं। किस तरह से जो आनंद गिरी है वो ये कह रहा है कि मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है, तमाम नाम उसने गिनाए हैं, हालांकि उन सभी से पूछताछ की जा रही है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, SIT का गठन कर दिया गया है, CBI जांच की मांग लगातार की जा रही है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हाईकोर्ट के जो जज हैं उनसे यहां पर इस पूरे मामले में सुनवाई होनी चाहिए, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब आरोपी शिष्य जो मुख्य जिसका नाम है इस पूरे सुसाइड नोट में जो कि 7 पन्नों का, उसने साफ तौर पर ये कह दिया है कि उनके जो गुरुजी हैं उनको लिखना ही नहीं आता था, वो सीधा जो बोलते थे वो स्पष्ट बोलते थे, यानी कि मौखिक रूप से बोलते थे, लिखित रूप से नहीं, तो वो उनकी राइटिंग की पहले जांच होनी चाहिए, इस पूरे जो सुसाइड नोट है इसकी जांच होनी चाहिए। उसका ये कहना है कि कुछ लोगों से गुरुजी का विवाद था, जिनमें से नाम बताए हैं, एक सिपाही बताए जा रहे हैं मनीष शुक्ला और अभिषेक मिश्रा, ये जो नाम है ये आनंद गिरी ने लिए हैं, हालांकि गिरफ्तारी कर ली गई है, लेकिन सवाल अब भी बहुत सारे पीछे छूटे हुए हैं। किस अल्फाज की गोलियां वहां कैसे थी, रस्सी क्यों मंगाई गई थी, जब सुसाइड नोट में राइटिंग महंत की नहीं है तो फिर आखिर वो राइटिंग किसकी है, किसने वो सुसाइड नोट लिखा, क्या पहले से ही सुसाइड नोट लिखा जा रहा था, क्योंकि ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि ये सुसाइड नोट की जो प्लानिंग है वो काफी समय से चल रही थी। ऐसे में तमाम एंगल जो है वो सामने आ रहे हैं। सपा नेता महेश नारायण से विवाद जो है महंत नरेंद्र गिरी का, वो भी लगातार सामने आ रहा है, तो ये भी एक अलग
पहलू हो सकता है। इसके अलावा कई अखाड़ों पर सवाल खड़े करना, वो तुरंत अगर कोई अखाड़ा कुछ गलत करता था तो वो सवाल उठाते थे और बहुत ही मुखर तरीके से बोलते थे। और इसके अलावा 2004 में तत्कालीन DIG से विवाद उनका काफी पुराना रहा है और ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था। इसके अलावा मठ की जमीनों को अवैध रूप से बेचे जाने को रोकना, उसके खिलाफ लगातार आवाज उठाना, कुछ भी गलत होता था वो आवाज उठाते थे। ऐसे में इन सभी एंगल्स की जांच होना जरूरी है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और इसी पर इस पूरे जो कथित तौर पर जो आत्महत्या की जा रही है, कही जा रही है कि आत्महत्या की है यहां पर महंत ने, तो ऐसे में अब जांच भी की जा रही है लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हम इस खास चर्चा में करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। OP सागर पूर्व IPS है, बहुत स्वागत है आपको न्यूज वर्ल्ड इंडिया में OP जी। महंत लोकेश दास जी हैं, मोहम्मद अब्बास पूर्व राज्य मंत्री हैं सपा से और संदीप दुबे नेता हैं BJP से। इन सभी का बहुत स्वागत मैं करती हूँ न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। और सबसे पहला सवाल मेरा होगा महंत लोकेश दास जी से, क्योंकि मठ से जुड़े हैं और इसी समाज से हैं, संत समाज से, तो पहला सवाल उनसे करना लाजमी है। देखिए लोकेश दास जी, बहुत ही दुख की घड़ी है, एक साधु हमारे बीच से चले गए हैं जिन्होंने सभी को एक अच्छे पथ पर चलना सिखाया, वो जिंदगी की जंग हार गए, वो भी कैसे, इतने तनाव में आ गए कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो आत्महत्या कर लें। लेकिन इस पूरे मामले में बहुत सारे एंगल्स निकल रहे हैं। आनंद गिरी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आनंद गिरी को लेकर आप क्या कहेंगे। देखिए सर्वप्रथम उस दिवंगत आत्मा को स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज जी को, जो कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जैसा कि मुझे जो बार बार, क्योंकि मीडिया के थ्रू ही पता लग रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया हुआ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जो इतने बड़े संत हैं जी, वो कभी ऐसा कर नहीं सकते। वो सारी मिस्ट्री है, कोई कागज भी है, कागज में स्वामी आनंद गिरी जी का जो पहले भी विवाद चला है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वाला विवाद हो, चाहे गुरु के साथ जो भी विवाद हुआ था, केवल एक विवाद नहीं है। आपने पहले भी कहा सपा नेता के साथ भी और किसी बड़े अधिकारी के साथ भी उनके कई सारे विवाद, जैसे कि आपने भी बताए हैं और सुनने में भी आया। यदि आनंद गिरी जी कह रहे हैं किसकी CBI जांच होनी चाहिए, तो मुझे लगता है जो जो इस मुद्दे से जुड़े हैं, चाहे वहां के पुजारी हो, चाहे वहां के जो पुलिस कर्मी है जो उनकी सुरक्षा में रहते थे, सबको एक आवाज से, यदि वो गलत नहीं है तो उनको कहना चाहिए कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि आनंद गिरी जी ने भी अभी कहा है, क्योंकि वो तो कई समय से ना तो उनके पास गए हैं और ऐसे सुनने में भी आया, उन्होंने मुझे बताया कि एक महीने से बात भी नहीं हुई है। लेकिन एक तो महाराज जी के फोन की डिटेल्स की जांच होनी चाहिए और डिटेल्स के माध्यम से भी ऐसा भी पता लगा है कि कुछ दिनों पहले ही कांगड़ी से ही, जहां पर स्वामी आनंद गिरी जी का आश्रम है, वहां पर एक नंबर से कॉल आया था, उस पर 2-3 दिन पहले कई घंटों बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा ओपिनियन न्याय नहीं हो सकता, आनंद गिरी की जो भूमिका है ना वो तो साफ हो रही है, लेकिन जो दो वहां के पुजारी है, उनका जो बेटा है, जिनके नाम लगातार सामने आ रही है, उनका क्या इस पूरे मैटर में क्या कुछ निकल कर सामने आता है? आखिर वो किस तरह से वहां पर पूजा करते थे, किस तरह से वो मठ में रहते थे, उनका स्वभाव कैसा था गुरुजी के प्रति? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये तो जाहिर सा है, आपको सिर्फ उनके बारे में ही पता लगेगा जो कि सोशल मीडिया पे रहेगा। आजकल जो लाइमलाइट में हमेशा आनंद गिरी जी रहते हैं, तो उनका डेफिनेटली है कि उनका नाम फ्रंट लाइन पे ही आएगा। और जो वहां के पुजारी जी भी थे और जो उनके पुजारी जी के पिताजी थे, उनके बारे में भी बहुत कुछ सुना गया, उनका व्यवहार महाराज जी के प्रति ठीक नहीं था, उस संपत्ति का मामला भी था, बहुत सारी चीजें थी। इसकी निष्पक्ष मैं तो योगी सरकार से, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से, इसमें उनको खुद इंटरफेयर करना चाहिए। ये कोई छोटा मामला नहीं है, हमारे अखाड़ा, सभी अखाड़ों के जो कि हमारे 13 अखाड़े होते हैं, उन 13 अखाड़ों के अध्यक्ष रहे हैं स्वामी नरेंद्र गिरी जी महाराज जी, और पूज्य गुरुदेव महाराज जी के, पूज्य साकेतवासी जगत गुरु रामानंदाचार्य, पूज्य गुरुदेव स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज जी के भी परम प्रिय मित्र है, उन्होंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाने में भी पूज्य गुरुदेव महाराज जी की भी अहम भूमिका रही है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से कहूंगा, उसमें स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को इंटरफेयर करना चाहिए और इस विषय की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, और जो भी दोषी हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे जो आसपास के जो भी नेता हो, चाहे पुजारी, चाहे स्वयं आनंद गिरी जी भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जांच होनी चाहिए और सजा
मिलनी चाहिए। बिल्कुल लोकेश जी, आपके पास वापस आऊंगी। ओपी सागर जी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व आईपीएस है। ओपी सागर जी, बहुत सारे पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं, कुछ सिपाही के नाम सामने आ रहे हैं, कुछ बड़े अधिकारी के नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं कौन कौन से पहलू हो सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विवाद जो हैं वो नरेंद्र गिरी के साथ रहे हैं। देखिए, सबसे पहला विवाद मैं आपको बताऊं तो सपा नेता महेश नारायण से उनका विवाद रहा है। क्या ये मुख्य वजह हो सकता है, या फिर कई अखाड़ों पर सवाल खड़े करते थे, कुछ गलत होता था, वो मुखर तरीके से आवाज़ उठाते थे, या फिर 2004 में तत्कालीन DIG से उनका विवाद हुआ था वो हो सकता है, या फिर मठ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हो रहे थे उसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाना हो सकता है, या फिर जो मठ की जमीन थी जो आनंद गिरी लेना चाहते थे ऐसा कथित तौर पर कहा जा रहा है, कौन सा एंगल जो है वो सटीक बैठता है? कृति जी, देखिए, आम चर्चा और विवेचना दोनों अलग अलग चीजें जी। तो हम आम चर्चा पे ही अगर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो फिर विवेचना करने का क्या औचित्य है? और देखिए, जीवन बहुत लंबा है, हम सब जितने सहभागी यहाँ बैठे हुए हैं, जीवन बहुत लंबा है और दिन प्रतिदिन कोई ना कोई नई नई घटनाएं भी होती रहती हैं। उन घटनाओं का कितना प्रभाव है, और डिप्रेशन, अभी एक और डिबेट में मैं बैठा हुआ था उसमें बात कर ली, डिप्रेशन ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, धीरे धीरे कहते हैं डिप्रेशन में आता है, लेकिन बहुत पुराना मैटर भी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि 10 साल पुराने का डिप्रेशन आज हो जाए। ऑल ऑफ ए सडन कैसे कहते हैं कोई नई चीज आई जिससे कि कोई डिप्रेशन हो सकता है? फिर अभी तो देखिए, हम लोग विवेचक तो है नहीं, मैं हालांकि पूर्व IPS सब कुछ है, इसके बावजूद भी मैं विवेचना से जुड़ा हुआ तो हूँ नहीं। विवेचना से बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी जुड़े हुए हैं, सब काबिल अधिकारी हैं और पूरी टीम गठित होकर काम कर रही है। अभी देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, बहुत सारे और तथ्य स्पष्ट होंगे, तो हम ये कह रहे हैं कि विवेचना करने दीजिए ना। अभी हम बहुत सारे एकदम अटकलें क्यों लगाने लगे? अटकलें लगाने का काम ये जो है, एक तरीके से हम माननीय न्यायालय भी कई मामलों में कह चुका है कि इस तरह क्या है कि गलत बातें जो है आ जाती है, गलत बातें पब्लिक के दिमाग में भी आ जाती है। योगी आदित्यनाथ भी अपील कर रहे हैं कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें, लेकिन बहुत सारे एंगल अब हर कोई, देखिए कोई मुद्दा हो जाता है या कोई ऐसी घटना हो जाती है जिसकी उम्मीद भी नहीं होती। देखिए, जैसे ये हुआ कि एक महंत आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, तो ऐसे में जो एक मार्मिक चेहरा है, एक मार्मिक दृश्य जो है वो सामने आ जाता है, हर कोई अपनी बयान देता है, हर कोई अपना पक्ष रखना चाहता है। ऐसे में बहुत सारे साधु संत हैं वो सामने आ रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, आनंद गिरी को लेकर बहुत ज़्यादा जो भावना है वो लोगों की भड़की हुई है। उनका कहना है कि आनंद गिरी को एक शिष्य की तरह उन्होंने पाला पोसा, उन्हें दीक्षा दी, शिक्षा दी, उसके बावजूद भी जो प्रॉपर्टी को लेकर वो लगातार विवाद करते रहे, क्योंकि ये विवादों का नाता जो है आनंद गिरी का वो पुराना बहुत ज़्यादा है, नया नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी महिलाओं ने कुछ आरोप लगाए थे जिसके बाद नरेंद्र गिरी वहाँ पहुँचे, उनकी रिहाई करवाई। इसके अलावा आज एक और मुद्दा निकल कर सामने आया, एक और जो स्वामी है उन्होंने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के समय में उनकी जो कुटी है वो हड़पना चाहते थे। तो ये सारे अगर तथ्य उन पर या आरोप लगाए जा रहे हैं तो इनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना, तभी तो कोई आवाज उठा रहा है या बोल रहा है। देखिए, बहुत सारे आरोप जो लग रहे हैं ना, मुझे तो लगता है बहुत अच्छा है ये विवेचकों को, हमारी पुलिस को ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो जितने भी तथ्य हैं, 100 हो 200 हो 1000 हो 2000 हो, जितने भी तथ्य आएंगे उन सबकी मीमांसा होगी, उन पे विवेचना होगी, उनपे तथ्य कलेक्शन होगा, एविडेंस, जिसको एविडेंस कलेक्ट करेंगे, और फिर जो इस समय की मौजूदा परिस्थितियां रही हैं उन सबको मिला के फिर देखा जाता है कि इसको फाइनली क्या है, हत्या है कि आत्महत्या है, फिर है तो क्यों है, ये सब चीजें विवेचना का पार्ट है। तो हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा लक है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, हम दिशा भ्रमित हो जाते हैं ना अगर दूसरे के इस तरीके के बातें होंगे। ठीक है, तथ्य लाइए सामने आई, जिस जिसको जितना पता है तो उतना जो है, लोकेश जी को पता है वो बताएं, अब्बास साहब को पता है वो बताएं, संदीप जी को पता है वो बताएं। मेरा कहने का, हम तो चर्चा के जो पात्र है उनको कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ जो भी पूरे देश में विदेश में जिसको भी जो पता है वो इस घटना से संबंधित पात्रों के बारे में, उनसे यानी कि महेंद्र गिरी जी के बारे में या और जो लोग हैं उनके बारे में
चीजें सामने लाएं, उन सबकी विवेचना को शामिल किया जाएगा, विवेचना से फिर अर्थ निकाला जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा, कंक्लूजन निकाला जाएगा कि वास्तविक में वास्तविकता में हुआ क्या है। इसलिए बहुत अच्छी बात है, सारे तथ्य आने चाहिए और क्या। चलिए ठीक है, आपके पास वापस लौटूंगी। संदीप जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। संदीप जी, एक महंत खुदकुशी कर लेते हैं, उसके बाद अचानक से ये निकलकर सामने आता है कि उनके पास से, उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है, 7 पन्नों का सुसाइड नोट। शिष्य कहते हैं कि महंत जी लिखना नहीं जानते थे, महंत जी सिर्फ हस्ताक्षर करना जानते थे। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये हो रहा है कि कब तक जांच हो पाएगी, क्योंकि सरकार से लगातार आम जनता सवाल कर रही है, साधु संत के जो लोग हैं वो बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि किस एंगल से क्या क्या जांच होगी, आगे जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है क्या उस तक सरकार पहुंचेगी, क्या ये इंतजाम किए जाएंगे कि एसआईटी का गठन के बाद अब सीबीआई जांच हो। देखिए, इस विषय में हम लोग पक्षकार तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पिछले समय में हमने कई केसेस देखे, आरुषि, अभी सुशांत जी जो नहीं रहे हम लोग के बीच, और काफी मीडिया ने भी हाय तोबा मचाया, इन्वेस्टिगेशन मीडिया ट्रायल की तरह होने लगा, क्योंकि मिर्च मसाला जब मीडिया को मिलता है तो समाज में सेंसेशन पैदा हो जाता है। लेकिन इन सेंसेशन में कहा गया कि जो जनता आशा लगा के बैठी होती है उस अनुरूप न जांच हो पाता है और ना जनता के आशा के पे सरकार के या पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हो पाते हैं, इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। अब जरूरी यह है इस केस को देखने की, मैं एक वकील होने के नाते मैं ये महसूस करता हूँ कि हम लोग आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं वो आम आदमी से जुड़ा सलोकार है, इसलिए कि आस्था का विषय है और आस्था में क्या है, कुछ लोग ब्राह्मण या ठाकुर या जाति या धर्म को भी नाम उपयोग कर सकते हैं या किसी पक्ष और पार्टी की बात कर सकते हैं। जरूरी है कि ये कुछ न कह के आज इस विषय पे हम चर्चा करें कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था वो किस कारण कैसे वो सुसाइड किया या सुसाइड नहीं किया या उसकी हत्या हुई, उसकी जांच ईमानदारी से हो, वो क्या था क्या नहीं था कि भूल जाइए। आज जरूरत है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और न्याय की बात नहीं होना चाहिए। आम जनता आपकी सरकार से यही उम्मीद कर रही है संदीप जी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। बिल्कुल, मुझे 20 सेकंड तो बोलने का मौका देंगे, सेंटेंस कंप्लीट कर ले। तो आज जरूरत यह है कि न्याय की बात ना हो, न्याय होते दिखे, ताकि लोगों का भरोसा हमारे शासन में, हमारी सरकार में स्थापित हो। ये विषय बिल्कुल गंभीर है और इसको गंभीरता से लेते हुए ही सरकार ने इसमें पहल करी। अभी महन जी बोल रहे थे लोकेश दास जी की प्रधानमंत्री जी को इसको संज्ञान लेना चाहिए। लोकेश दास जी को मैं इतना कहूंगा कि आपकी आस्था ईश्वर करे देश के प्रधानमंत्री में थी, है और रहेगी, लेकिन आज हमारी आस्था जो है वहाँ के एसपी, वहाँ के डीएम और जो आईयू है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस का, उस पे है कि उसको हम लोग कैसे सशक्त करें और जिस व्यक्ति के पास जो जानकारी है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स है, उसको वो लोग बताएं। और ये मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूँ, ओपी सागर सर ने बहुत अच्छी बात कही है उनके अनुभव के आधार पे भी, कि आज इसमें जो आज का जो समय है काफी क्रूशियल है, एविडेंस पुलिस के पास है, हाथ लगी है, और जो जो लोग पुलिस को लग रहा है कि ये लोग शामिल हो सकते हैं, और सभी पक्ष को देखने के बाद अपराधी दूर नहीं है। मैं शब्द का जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपराधी दूर नहीं है, यानी वहां अपराध हुआ है, और आप वो सब के सब लोग जो उनको सजा मिलनी चाहिए कानून सम्मत, उनको सजा मिलेगी और एक नजीर सरकार पेश करेगी कि कोई दूसरा कोई इस तरह का हिम्मत न जुटा पाए। संदीप जी, शायद मेरी बात आपको चुभ जाए, लेकिन हर मामले में, चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी मामला आप उठा ले, जब भी कोई मामला सामने आता है ना, तो जो निम्न स्तर के लोग होते हैं उन तक तो कानून के हाथ पहुंच जाते हैं, लेकिन जो बड़े अधिकारी बैठे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बच निकलते हैं। माफ कीजिएगा, आपको बहुत बुरी लगेगी ये बात। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ऐसा समाज हमने बना दिया है और हमारी माइंड सेट ऐसा लगता है हम लोगों को कि बड़े लोग बच जाते हैं। कौन बचा? आसाराम बापू से ज्यादा किसी के पास पैसा है या था, वो भी धार्मिक लोग थे। कई ऐसे लोग हैं, अगर आप भविष्य में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि वर्तमान में वो सारे लोग ऐसे हैं कि जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है। तो गलत काम करने वाले लोगों की उम्र ज्यादा नहीं होती, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये क्या होता है कि ऐसे संस्कृति पैदा करता है हमारी समाज में। मैं ये नहीं कहता कि बुरे लोग नहीं है, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या अभी भी उन बुरे लोगों पे भारी है, इसलिए हम सब लोग बैठ के चर्चा भी कर रहे हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर मैं कहूंगा, मीडिया के लोगों से या जो भी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं या जो ब्राह्मण हैं या हम जैसे
कहने को ब्राह्मण है, पंडित दुबे लिखते हैं, चंदन नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि सभी ब्राह्मणों जो भी किसी जाति धर्म के हैं उनकी सुरक्षा को लेके सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है एक सरकार में। बिल्कुल, चलिए संदीप जी आपके पास मैं वापस लौटूंगी। कोशिश करते हैं ये नजीर पेश हो, ऐसा इन्वेस्टिगेशन की नजीर पेश हो और जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे। ठीक है संदीप जी, आपके पास वापस लौटूंगी। यहाँ मोहम्मद अब्बास भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अब्बास जी पूर्व राज्य मंत्री हैं सपा के, और सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इस पूरे मामले में एक नाम भी सामने आ रहा है जो कि सपा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सपा नेता महेश नारायण का भी विवाद लगातार नरेंद्र गिरि महंत से रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या ये एक वजह हो सकती है कि नरेंद्र गिरि जी डिप्रेशन में चले गए हों, इतने आहत हो गए हों कि उन्होंने ये कदम उठाया? महंत नरेंद्र गिरि भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा नाम था। अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष चुने गए और पूरा जीवन त्याग तपस्या के लिए ही माना जाता है, कुछ विवादों से नाता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकारें आई हैं, प्रथम तो ब्राह्मणों पे जिस तरह से वज्रपात हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। मोहम्मद अब्बास में बहुत राजनीति बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट साइड, अगर मार्मिक एक बहुत सॉफ्ट मुद्दा है जिसको हम सिर्फ जांच के लिए कर रहे हैं, मार्मिक राजनीति लेकर आएंगे तो गलत है। तो फिर आप मुझे राजनीतिक व्यक्ति को बुलाने नहीं चाहिए था अपने डिबेट में? मोहम्मद अब्बास सुनने रही है, पहले आपने मुझे नहीं आप बात सुनिए पहले, राजनीति हो गई। क्या उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? क्या ब्राह्मणों की हत्या नहीं हो रही? क्या इसके भी सत्ता के ऊंचे पद वाले लोगों से निकलेंगे? आप देख लीजिए, जांच होने दीजिए, हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, उसके बाकी जांचें तो सब थानों की तरह, थानों से नहीं, सीबीआई भी थाना बन के रह गई है, हाई कोर्ट के जज से जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो लूट खसोट, ना ये ब्राह्मण को छोड़ रहे, ना ये मेहनतों को छोड़ रहे, जहां इनका जोर होता है अपने आदमियों को उस मठ में बैठाने के लिए, ट्रस्ट में बैठाने के लिए, अखाड़ा परिषद में बैठाने के लिए सब जगह कुछ चक्र चक्र रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग राम मंदिर में नहीं छोड़ा, दो दो करोड़ की जमीन बीच में 25-25 करोड़ भेजी, पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। और दुखद महंत नरेंद्र की बहुत बड़ा नाम है, मैं निजी तौर पर भी आहत हूँ, मैं निजी तौर पर भी आहत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोगों का पूरा पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट निकलेगा, आप जांच करा के देख लीजिए। देखिए मैं कौन होती हूं, छोटा मोटा नाम नहीं था, आवाज उठाते हैं हम तो सिर्फ आवाज से, मतलब ये है कि आपके चैनल आपके चैनल से जो आवाज जाएगी वो सरकार के कानों तक जाएगी, ये तो हम भी जानते हैं, जांच कौन कराएगा, आप और हम नहीं कराएंगे, लेकिन आपके समाचार जो आपका चैनल है सम्मानित चैनल है, इसके माध्यम से निकली हुई आवाज जनता की आवाज मानी जाएगी और इस पे हाईकोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए। हमें पूरा भरोसा है और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह लूट खसोट हत्या में शामिल है और इसमें भी वो लोग निकलेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो महंत हैं, साधु संत हैं और जो हिंदू हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी? मैंने हिंदू ब्राह्मण किसी के खिलाफ हो ना हो, लेकिन ब्राह्मणों के खिलाफ तो भाजपा है, जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन करते, परशुराम जी का फरसा उठाए फिर रहे, मैं निकला ब्राह्मण कह रहा है, भाई ओपी सागर जी हमारे मौजूद हैं और मेरठ में रह चुके हैं, आपके चैनल से चलो धन्यवाद, इनसे मुलाकात इन चैनल पे होगी, लेकिन मैं फिर को दोहराना चाहूंगा कि ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही है जगह जगह, ठीक है, और इसमें भी षड्यंत्र निकलेगा, भारतीय जनता पार्टी लोग शामिल होंगे। जवाब आपने नहीं दिया है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महंत लोकेश दास जी भी हमारे साथ बने हुए, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए महंत जी। मैं अब्बास जी से कहना चाहता हूँ, ये इसको राजनीति बिल्कुल ना बनाइए, क्योंकि जात का विषय उसमें बीजेपी के नेता निकलेंगे या सपा के नेता निकलेंगे, वो जांच एजेंसी चेक करेगी, वो बताएंगे, हम क्यों निर्णय
हम निर्णय नहीं कर सकते कौन, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते उस पार्टी के होंगे उस पार्टी के होंगे कि ब्राह्मणों को योगी जी ने जाके थोड़ी मरवाया उनको। यदि कोई व्यक्ति घर में सुसाइड कर लेता है, सरकार की जिम्मेदारी उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार का ये है, सरकार का ये नहीं कि कोई घर में सुसाइड या कोई बात हो जाए तो उसमें योगी जी जिम्मेदार हो गए या कोई, आप किसी को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते। लोकेश जी मैं आपका सम्मान करता हूँ लेकिन आप अगर वाजिब है आपको सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति से बात रखूंगा। चलिए मैं किसी सरकार के खिलाफ में पक्ष में नहीं बोलता हूँ। मैं हमेशा जो बात सत्य है, हम सीआईडी नहीं है, हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, हम किसी के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम लगाए। हमें जो सत्यता का साथ देना है, किसी भी आई जांच हो, हम सबकी ये मांग होनी चाहिए। बात जी यहाँ पर हम किसी यहाँ पर किसी को ब्राह्मणों को मारे तो जो सत्य होती है, अगर ये तो महंत नरेंद्र गिरी एक बहुत बड़ा नाम है, आम आदमी की जिम्मेदारी सरकारों की होती है, आप ऐसे क्या नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है? पूरी पूरी जिम्मेदारी। देखिए हमें चीख चिल्लाहट नहीं करनी है, हमें सिर्फ इस पूरे मामले पर अपनी अपनी राय रखनी है कि क्या हो सकता है, किस तरह की जांच होनी चाहिए। राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं करनी है और आपस में बहस भी नहीं करनी है। देखिए हम इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लगातार जो अपराध बढ़ रहा है और आपस में जो विवाद था, आखिर ये क्यों था, किस वजह से एक संत वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर ऐसी कौन सी वजह था, ऐसा कौन सा धक्का उन्हें लगा था कि वो इतने आहत हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे इस जीवन से, इस पर हम लगातार पर्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत सारे सवाल यहाँ संदीप जी मोहम्मद अब्बास जी के हैं, आपसे मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दीजिए। महंत लोकेश दास जी भी आपसे जवाब चाहते हैं क्योंकि सत्ता में आप हैं तो जांच भी आप ही करवाएंगे। अब्बास भाई समाजवादी पार्टी के प्रखर नेता में से हैं और आज मैं उनके बुद्धि का भी कायल हूँ। आपने सवाल पूछा कि एक समाजवादी पार्टी का नाम आ रहा है, उन्होंने उस विषय के नेता का नाम आ रहा है तो उसको कैसे विश्वसनीय ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे और हम पे आरोप मढ़ने का पूरा काम किया। अच्छी बात है, यही एक अच्छे व्यक्ति का गुण होता है कि नैसर्गिक व्यक्ति का गुण है और इसी गुण की वजह से आज उत्तर प्रदेश के लोग व्यथित हैं, दुखी हैं और परेशान। मैं दो बातें कहूंगा, अगर आप किसी की व्यक्ति के भोजन में खाना में जहर मिला दीजिए तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में उसकी सोच में अगर जहर आप बोल देंगे तो उसकी जब सोच दूषित हो जाएगी तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेताजी की सोच और या उत्तर प्रदेश में विपक्ष की जो सोच है वो दूषित है और दूषित समाज की जो परिकल्पना ये लोग करते हैं, दूषित समाज बना रहे हैं, आज उसी का प्रतिफल है। महंत नरेंद्र गिरी बहुत बड़ा, चलिए ठीक है, आप समाजवादी पार्टी क्या कह रही है या बीजेपी क्या कह रही है, आपस में क्या राजनीति हो रही है, इसको अलग रखे आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए कि जब गुरु और शिष्य में इतने सालों से विवाद चला आ रहा था और विवाद इतना गहरा गया था कि समझौता करवाना पड़ा, समझौते के बाद चीजें लग रहा था कि ठीक हुई है लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ था, पहले ही इस पर गहरी जांच क्यों नहीं बिठाई गई? क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी लगातार जो मठ की जमीनों पर अवैध कब्जा होता था उसके लिए आवाज उठाते रही हैं। 2004 में भी जो वहां पर डीआईजी थे तत्कालीन, उनसे उनका विवाद रहा था, तो तब क्यों इतना बड़ा फैसला नहीं लिया गया? देखिए बिल्कुल आपकी बात सब सही है, लेकिन अब मैं पेशे से एक वकील भी हूँ, एक वकील होने के नाते आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं इतना ही कहूंगा, अब ये सारी जांच इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के हाथ में, उसको जांच करने हमें दिया जाए, क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सारा छनके आएगा, दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, ये मैं पूरी तरह से आपको वादा करता हूँ। और कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संदीप जी केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के डिप्टी सीएम है, वो तो पहुंचे थे दो दिन पहले ही, उनसे मुलाकात हुई थी नरेंद्र गिरी की, क्या तब कुछ ऐसा आभास हो पाया था कि वो बहुत ज्यादा परेशान है या किसी तनाव में है, ऐसा कुछ नजर आया? ये दोनों लोग मिलने वाले बता सकते हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमारी सरकारी प्रतिक्रिया है कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं, वो चाहे महंत लोकेश दास जी हो या अब्बास भाई हो या जो लोग भी जुड़े हैं, वो चाहते हैं कि सही तथ्य निकल के सामने आए, सही जांच हो और जो भी दोषी हो वो किसी भी पद पे हो, कैसा भी हो, उसकी जगह जेल है
या अगर वो फरारी काट रहा है तो फरारी की जो उसको सजा है वो सजा उसको मिलनी चाहिए। ये आपको देखिए साधु संत समाज का जो विश्वास है ना वो बीजेपी पर हमेशा से रहा है। देखिए चाहे वो राम मंदिर का निर्माण करवाना हो, चाहे वो कोरोना काल में साधु संत समाज के लिए बहुत सारी चीजें करनी हो, बहुत ज्यादा विश्वास रहा है। तो ये विश्वास के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराएगी। आपसे मेरे सवाल ये है कि जब तमाम चीजें होती थी, मठों में आना जाना रहा करता था आपकी पार्टी का, तो क्या मठों पर इतना ध्यान केंद्रित नहीं था कि वहां क्या चल रहा है, किस चीज का विवाद है, किस पर क्या विवाद है? क्योंकि लगातार आप लोगों की मुलाकात हुआ करती थी महंतों से, सम्मेलन होते थे, बैठकें होती थी। देखिए जितने भी धर्म के लोग हैं और या पूरे भारत के लोग हैं, किसी जाति धर्म में हो, किसी पक्ष के पक्षकार हो, सरकार सबसे संवाद अदायगी करती है और हमारे साधु संत तो हमारे सबसे प्रिय हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनका साथ भारतीय जनता पार्टी पहले भी देती आई है, क्योंकि सनातन संस्कृति अगर आज सुरक्षित है भारत के अंदर तो इसका सारा श्रेय हमारे साधु संतों को जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अब्बास भाई जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद अवसर मिलेगा तो आप अपना पक्ष रखिए। इस विषय पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये विषय जो है गंभीर विषय है। इस मामले की जानकारी या संज्ञान कुछ भी बोलना हो किसी को भी, तो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर उसके समक्ष जाके अपनी बात रखे। ये मीडिया का विषय नहीं है, इसको पूरा प्रॉपर जांच होने दीजिए और जांच के बाद दूध का दूध पानी हो जाएगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ जो वहाँ के SP महोदय है या जो जिनको IU नियुक्त किया गया इस केस में, जो वो जांच कर रहे हैं वो निष्पक्ष सबके सामने आएगा और वो खुद इस विषय में सभी तथ्य सभी के सवालों का जवाब देंगे। कितना इंतजार हमें करना होगा, कब तक जांच हो पाएगी, कब तक क्या चीजें निकल कर सामने आ पाएगी? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी मामला होता है हमें बहुत इंतजार करना होता है, कुछ भी चीज फिर भी क्लियर नहीं हो पाती है। लेकिन हम उम्मीद ये रखते हैं कि एक संत हमने खोया है, वो संत जो एक अच्छी राह, एक अच्छी प्रेरणा, एक अच्छा रास्ता जो है अपने शिष्यों को दिखा रहा था और पूरे देश को दिखा रहा था, वो हमने खोया है। तो उम्मीद आप लोगों से बहुत है, हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक साधु संत, एक महंत जो एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा मठ वो चला रहे थे, वहाँ पहुंच चुकी है, वो बहुत जल्द आप इसका खुलासा करेंगे। चलिए ठीक है, सारे ठीक है, लगभग लगभग आ रहे हैं, वो बहुत जल्द इसका खुलासा। ठीक है संदीप जी, OP सागर मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ मुझे तो मिल रही है, आपको मिल रही है? बिल्कुल। ओपी जी ये बताइए कि 7 पन्नों का सुसाइड नोट, यहाँ पर आनंद गिरी जो कि मुख्य आरोपी हैं, शिष्य हैं नरेंद्र गिरी जी के, वो ये कहते हैं कि जो हमारे गुरु जी हैं उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था। इसके अलावा जो और शिष्य मठ में काम करते थे, जो मौजूद थे, उनका भी ये कहना है कि हमें गुरु जी को लिखना पढ़ना नहीं आता था, कुछ भी लेटर या कुछ भी पत्र पढ़वाना होता था वो हमारे पास लेकर आते थे, वो सिर्फ हस्ताक्षर करना जानते थे। तो आखिर ये थ्योरी क्या है, ये 7 पन्नों का जो लेटर है ये क्या है, इसे हम क्या समझे? तो बड़ा साधारण सी बात है, लेकिन ये तो विवेचना का विषय है। अगर लिखना पढ़ना नहीं जानते तो 7 पेज का ये सुसाइड नोट तो नहीं हो सकता। तो ये आखिर कैसे हुआ, किसने प्लांट किया, क्यों किया, ये सब चीजें विवेचना में अपने आप आ जाएंगी। देखिए मैं बार बार दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको सुन रही हूँ, आप बार बार कह रहे हैं कि विवेचना का विषय, विवेचना का तो विषय है ही, जांच का भी विषय है, लेकिन आप इस सिस्टम में रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि चीजें कैसी होती हैं। तो आपसे मैं जानने की कोशिश कर रही हूं कि क्या हो सकता है इस मामले में, क्या आनंद जो कह रहा है वो सही है, या फिर जो बाकी शिष्य कह रहे हैं वो सही है, या जो CCTV फुटेज सामने आए हैं वो सही है, या फिर जो CD वाला मैटर आ रहा है कि CD से ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया था, या प्रॉपर्टी विवाद है, क्या हो सकता है, किस तरफ ये जो एंगल है वो जाता हुआ नजर आ रहा है? मैं आपसे सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे जवाब देंगे। बिल्कुल स्पष्ट जवाब ये दे रहा हूँ कि हमें अटकलें लगाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमें इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। अटकलें क्यों लगाई जाए, जब एक अच्छी खासी हमारी योग्य टीम इसको जांच कर रही है, जांच मीन्स विवेचना भी जांच ही है, वो कर रही है, सारे तत्व आ जाएंगे, फिर वो सक्षम है, दूसरे सक्षम के अलावा उनको अधिकृत है सारे सबूत इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करके विवेचना को कंपाइल करेंगे और विवेचना कंक्लूजन करके कोर्ट तक पहुंचाएंगे, जो भी तथ्य आएंगे हमें उसमें चिंता ज्यादा ना करें। मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि हम अगर अटकल लगा ले, मैं कुछ कह दूं या कह दूं तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, सिर्फ मिसगाइड हो गए। तो संदीप साहब आप यही करेंगे कि ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं हम जो है
मीडिया को तब करना चाहिए कोई चीज नहीं हो रही है, तब आपको ज्यादा कहते हैं एक्टिव होना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए ये चीजें आपने नहीं कवर की। तो हम सब कहते हैं मैं तो पूर्व पुलिस अधिकारी हूँ लेकिन बाकी सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, ये सब बताएं कि ये एस्पेक्ट विवेचना में कवर नहीं हुआ, इसको कवर करते तो शायद कुछ परिणाम दूसरा होता। तो मेरा यही कहना है कि अभी हम बिल्कुल कहते हैं इस तरीके की चिंता ना, इस समय हम कहें महंत जी की जो भी अकाल मृत्यु हुई है उसके लिए हम सबको श्रद्धा नमन जो भी करना है वो करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनको जो है दिवंगत आत्मा को याद करें और विवेचना में सहयोग करें। मेरा एज ए पुलिस अफसर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया मैं जो हूँ यही अपील करना चाहूंगा, जो भी विवेचना में तथ्य आप ला सकते हैं वो लाइए विवेचक के सामने और उससे अच्छा निष्कर्ष निकलेगा तो सभी को तसल्ली होगी। इसलिए हमें अभी कोई हड़बड़ी में कुछ नहीं करना। ठीक है ओपी जी, ठीक है। मोहम्मद अब्बास जी, जो तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या आपको क्या लगता है किस एंगल की तरफ ये पूरा मामला जा रहा है और आपके जो नेता इसमें संलिप्त, नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो संलिप्त हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? पहले भी आप मेरे सवाल से बच गए थे, आप आरोप लगा रहे थे बीजेपी पर, आरोप प्रत्यारोप आपका चल रहा था, अब तो जवाब दे दीजिए। देखिए मेरा सबसे पहले कहना है कि महंत महेंद्र गिरी जी का बहुत बड़ा नाम है और दो तीन केशव मौर्य जी उनसे मुलाकात करके गया, सरकार के नंबर दो के मुखिया। अगर महंत गिरी जी डिप्रेशन में थे तो ऐसा नहीं होगा कल या परसों या आज आ गए। अभी हमारे ओपी सागर जी ने बिल्कुल सही बताया कि बहुत लंबा डिप्रेशन नहीं होता, हफ्ते 10 दिन 20 दिन का होगा, और अगर डिप्रेशन में थे तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो परसों दो दिन पहले डिप्रेशन में नहीं रहे हो। इस जांच में केशव प्रसाद मौर्य जी को जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए। क्या बात हुई महेश नारायण से क्या बात नहीं होनी चाहिए? महेश नारायण से क्या पूछताछ नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा जो भी दोषी हो महेश नारायण दोषी हो फांसी चढ़ा दो, किसने मना किया? हम कब उसकी सुनवाई? लेकिन जो बड़े नाम है केशव प्रसाद मौर्य दो दिन पहले मिले हैं, अगर डिप्रेशन था तो दो दिन पहले भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने अपनी सुरक्षा की मांग ना की। देखिए मैं आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ या आपके सवालों को काट रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति के मन में कुछ चल रहा है, जरूरी नहीं है कि सामने वो किसी के समक्ष उसे दिखा सके या रख सके, अपने भाव दिखा सके, कई बार नहीं होता ऐसा। जांच में शामिल किया जाए ना होंगे तो नहीं होंगे। मेरा अच्छा, जांच में उन्हें भी शामिल किया जाना, आप ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को भी शामिल किया जाना चाहिए? बिल्कुल, हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य जी ने कोई ऐसी बात कही हो जो उनको दिल को आघात हुआ हो। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप इस डिबेट में। जी बिल्कुल कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा आरोप सरकार पर। जी बिल्कुल भाई, सरकार को बात करने में क्या दिक्कत है? जो जो लोग उनसे 3-4 दिन पहले मिले सबको जब में शामिल किया जाना चाहिए। महंत लोकेश दास जी, क्या आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए ये मैं तो इस बात से कहना चाहूंगा बस भाई से कि उनका केवल केवल फोकस भारतीय जनता पार्टी पर, केवल अपने उनका जो नेता के साथ जो चल रहा था अब उस विषय पे भी बोले, अब केवल फोकस ही जनता पार्टी पर कर रहे। आप है ना मौत पर किसी की लाश पर राजनीति मत किया करें, और मुझे ऐसा लगता है कि सपा की प्रॉब्लम ही यही है। फिर किस चीज राजनीति में किस चीज की जांच होगी? बंद कर दीजिए नरेंद्र जी के पत्ते के लिए राजनीति। आप आप सपा के नेता के ऊपर जब बवाल चल रहा है उसका भी नाम लीजिए, केवल बीजेपी पार्टी का नाम केवल एक पार्टी का सोचते हैं। मैंने कल मना कर दिया लेकिन जो लोग उनको कैसे बताया जाएगा? आप सपा के पार्टी का नेता का नाम भी लीजिए। दो दिन पहले सरकार के दूसरे नंबर के मुखिया मिलते हैं और परिषद के अध्यक्ष देखिए दो दिन कुछ तो बात जरूर हुई होगी। आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा।
आप एक एक करके अपनी बात केशव प्रसाद मौर्य जी उनका तो नित्य है, वो तो हमेशा मंदिर में जाया करते थे। अब ये तो जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति उनसे भी सवाल हो जाता है इस पर, सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर। सपा नेता यहाँ पर मौजूद है, पूर्व राज्य मंत्री है मोहम्मद अब्बास जी, सीधे तौर पर सरकार पर निशाना लगा रहे हैं कि उन्होंने ही इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ किया है, और वो भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर, क्योंकि वो दो दिन पहले मिलने गए थे, कुछ ऐसा बोला होगा जिससे आहत हो गए महंत नरेंद्र गिरी। मतलब लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले पर भी इतनी राजनीति यहां पर हो रही है। मैं जो सवाल कर रही हूं आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप तो सिर्फ बीजेपी बीजेपी गा रहे हैं, बीजेपी बीजेपी गाने से क्या 2022 में आप सत्ता में आ जाएंगे, क्या ऐसा होता है? सरकार किसकी है? मैं पंजाब सरकार का जिक्र करूं उत्तर प्रदेश में? आप सरकार का जिक्र कर रहे हैं ना, सीधे तौर पर देखिए मेरी बात सुन, काला परिषद के अध्यक्ष आत्महत्या जांच का विषय है, लेकिन किससे सवाल करें? जांच का विषय है, आप सरकार से सवाल करिए ना, आप सरकार पर आरोप थोड़ी लगाइएगा। करें यूएनओ में जाए हम, सवाल करिए ना सरकार से, आपको रोक कौन रहा है? आप सरकार से सवाल करिए, सीधा आप आरोप लगा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगा। चलिए तो जवाब जवाब भी सुन लीजिए, फिर जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए, बोलिए संदीप जी। देखिए आज मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ कि मैं डिबेट को ऐसे बनाऊं कि मैं उन समाजवादी पार्टी या किसी को गाली दूं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ अब्बास भाई की बात को मैं मान लेता हूँ, जो भी वो कह रहे हैं। नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन, देखिए आप उम्मीद नहीं कह सकते हो जो वकील है। अरे भाई सुनिए भाई, हम चिल्ला नहीं सकते क्योंकि ये ऐसा विषय है, इस विषय को अगर मैं कुछ उस तरह बोलूंगा जिस तरह आप बोल रहे हैं और मैं दोषारोपण करूंगा तो मेरे व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा किसी का भी कोई भी प्रश्न हो उसका हल करना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है। ये जांच चल रहा है, आपको लगता है कि ये दोषी है, आपको लगता है नरेंद्र मोदी जी दोषी है, आपको लगता है बिल क्लिंटन दोषी है, आपको लगता है चीन के राष्ट्रपति दोषी है, जो भी आपको लगता है आप लिखित रूप से संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दीजिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज हमारा जो काम है, मुख्य काम है, वो है कि न्याय मिले। अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहा और उसकी भूमिका देश में थोड़ी हो या ज्यादा हो, जरूरी ये है कि जो व्यक्ति ने गलत उसके साथ किया है उन सबको जो सजा होनी चाहिए वो सरकार उनके लिए सजा मुकर्रर करे और उनके उनके चाहने वालों देखिए संदीप जी, संदीप जी अगर मैं सपा अगर मैं सपा से सवाल कर रही हूँ तो ये मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ हूँ या आपसे मैं सवाल नहीं करूंगी। आप ये तो कह रहे हैं कि जांच होगी, कितने सारे मुद्दे जिसमें जांच कहाँ गई है अभी तक, कितने मामलों में इंसाफ लोगों को नहीं मिल पाया है आपकी सरकार में, आप उसका भी जवाब दे दीजिए। ब्राह्मण विरोधी आपकी जो छवि है वो बना दी गई है, वो भी राजनीतिक दलों द्वारा, कि आप ब्राह्मणों से लगातार घृणा करते जा रहे हैं, ब्राह्मणों की आपकी सरकार में कोई वैल्यू नहीं है। देखिए हमें लगता है कि हमें भारत का संविधान सबको पढ़ लेना चाहिए, और जब आप ठाकुर ब्राह्मण यादव या सरकार ये शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में ये कहता है कि चोर को भी पकड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी को है, नरेंद्र मोदी जी का है, जबकि यहाँ संवैधानिक में सबकी अलग अलग महत्ता है, भूमिका है। चोर जिस इलाके में चोरी हुई उसमें थाना और थाने का सिपाही क्योंकि अचानक से एक महंत जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद आरोप लगातार लग रहे हैं, सवाल से तो आप बच नहीं सकते, आपसे सवाल होंगे, आपको जांच करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब पूरी जनता जो है ना, पूरा देश है वो एक साथ है, जो साधु संत है ना वो एक साथ मिल गए हैं, और अब जवाब चाहते हैं सरकार कितने दिन में जांच करके बताती है कि आखिर मुख्य दोषी कौन है, क्या वजह है, वो सीडी कौन सी है जिससे ब्लैकमेलिंग हो रही थी। बहुत देर से अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं और जल्दी से खत्म करेगा, मेरे पास समय की कमी है कि कमेंट आप सबसे लूंगी। अब्बास जी आप बोलिए। देखिए सुशांत राजपूत का आत्महत्या हुई थी और 18-18 घंटे 4 महीने टीवी चैनल पर डिबेट हुई, उसके बावजूद सीधा उद्धव ठाकरे को ही दोषी करार दे रहे थे सारे चैनल। तो ये विपक्ष पूछता है माधव ठाकुर के विषय में कैसे नहीं हुआ, मेरे सवाल पे आपने भी इतना सब कुछ कह दिया, 18 घंटे चला 4 महीने पूरे
और देश के बड़े चैनलों पर और उद्धव ठाकरे को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। जब तो उनका कोई नन्नी दे नानी कभी मिले नहीं, यहाँ तो लोग आके मिले हैं, फिर रक्षणी होनी चाहिए। तो आप आपका तो जो आपकी जो बात है तो साफ हो गया, तो सीधा सीधा ये आरोप लगा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य पर। चलिए ठीक है, महंत लोकेश दास जी आपसे बस ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको भी कोई जानकारी है उस सीडी के बारे में, जो सीडी एक बनाई गई थी जिसके आधार पर ब्लैकमेलिंग हो रही थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी सीडी के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है सीक्रेट मामला है। हर चीज की जब जांच होगी सब चीज क्लियर होगा, हम किसी पर दोषारोपण ना करें। हम सिर्फ, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जांच होना चाहिए। वो कोई व्यक्ति हो, कोई विशेष व्यक्ति का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी विशेष पार्टी का नहीं लेना चाहता, कोई भी हो उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे से कोई ऐसी घटना ना घटे। ठीक है, आखिरी कमेंट मेरा होगा ओपी सागर जी से। ओपी सागर जी, सिस्टम में बहुत सालों आप रहे हैं, सिस्टम को बहुत सारा वक्त दिया है आपने, बहुत सारे ऐसे मामले देखे होंगे, इस मामले पर आपको क्या लगता है, आखिरी टिप्पणी? सिंपल है, देखिए मैंने बार बार वही बात कहूंगा कि विवेचना जो हो रही है और इतना हाई प्रोफाइल केस है, इतना महत्वपूर्ण केस है, सबकी नजरें पे गई है ना। देखिए अभी अब्बास साहब ने जैसे कहा, सुशांत राजपूत भी बहुत हाई प्रोफाइल केस था, उसमें केस में भी आपने सब पूरे देश ने देखा, गंभीरता से जांच हुई, अंत में निष्कर्ष निकला कि आत्महत्या है, लेकिन उससे जुटे हुए ड्रग्स कहां से आती थी, क्या होता है, कितने लोग उसमें लग गए, इसी तरह के इसमें भी है। ये इस बड़े केस में बहुत सारे नए तत्व आएंगे, पुराने तत्वों का संगाला जाएगा, सबको मिला के। चलिए ओपी जी, इंतजार रहेगा कि आखिर कब तक जो बड़े बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में जांच करते हैं, बहुत इंतजार हमें भी रहेगा, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर से पर्दाफाश हो। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये पूरा मामला है महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या को लेकर, फिलहाल श्रद्धांजलि उन्हें लगातार दी जा रही है, कल उनका अंतिम संस्कार हो सकता है ऐसी जानकारी मिल रही है, कल एक बैठक भी होगी, फिर निर्णय लिया जाएगा कि अंतिम संस्कार कब होगा। सवाल बहुत सारे हैं ये जानने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंत समाज जो चाह रहा है कि जल्द से जल्द जांच हो, आरोप प्रत्यारोप सपा बीजेपी करते हुए नजर आ रहे हैं, सिस्टम में जो पूर्व आईपीएस रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि विवेचना का विषय है, हमें धैर्य रखने की जरूरत है। तो ठीक है, हम धैर्य रख के बैठे हैं, लेकिन उम्मीद बहुत ज्यादा है सरकार से कि जल्द ही इस पूरे मामले पर पर्दाफाश होगा, ये देखना होगा कि आखिर कब तक। फिलहाल के लिए इतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।